हैप्पी संडे फंडे। क्या क्या महाकाल सरकार मेरे महाकाल सरकार। पेट दर्द इतना हो रहा है, मन ही नहीं कर रहा कुछ करने का। हेलो फ्रेंड्स, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अ न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो अभी बजे हैं 6:30 और हम लोग उठ चुके हैं। देखो, पता नहीं, याद भी नहीं है कब इतनी जल्दी उठे थे। जल्दी उठ गए हम लोग आज। सोचो क्यों उठे होंगे इतनी जल्दी। उनको देखो, हमसे पहले तो ये लोग उठ जाते हैं। तो हम लोग इसलिए उठे हैं। क्यों उठे हैं अपन इतनी जल्दी? बिल्ली को भगाने के लिए। बिल्ली की फिर तो हम लोग इसलिए उठे हैं क्योंकि नल आया है। और पानी भरने से ज़्यादा तो हम लोगों के लिए टास्क है कि बिल्ली को भगाना, क्योंकि बिल्ली बार बार जाती है और हमको लगता है टंकी में ना गिर जाइए वरना फिर दिक्कत ही हो जाएगी। उसको बार बार भगाना पड़ता है। जैसे को देखो, ये बिठाया है डंडा। ये आ गई आ गई आ गई आ गई। तो जैसे आ जाती है वो गई। कितनी जल्दी भाग जाती है। इन दोनों को निकालना पड़ता है, फिर इसमें लगाना पड़ता है। बहुत देखो इसको, ये यहाँ ना गिर जाए इसलिए इसको बार बार भगाना पड़ता है। गई पड़ती है ये मोटर लगने के बाद तो बस बैठ के इनको भगाना रहता तो अच्छा भी लगता है, बट जब मोटर चालू करने जाते ना, जब तो मेरे पास टॉर्च रहता है और क्रेजी को पाइप लगाना पड़ता है। और ये इतना ज्यादा परेशान करती है दोनों। ये ठंडी ठंडी हवा चल रही है, मस्त तो लगता है यार। सुबह से उठ जाना चाहिए बट क्या करें, अभी भी नींद ऐसी आती है। ऐसा मन करता सो जाए। एक और आ गई। क्या 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 चिल्ला रही मेरे पे? क्या क्या है, है? क्यों चिल्ला रही? क्या हो गया? जोर जोर से चिल्ला रही है। क्या हुआ? क्या हुआ? आवाज नहीं निकल रही है। क्या हुआ? क्या हुआ बेटा? बोल अपन, इधर हो गया। खाएगी ना, सही हो जाएगी। जाएगी नहीं, वो बाहर इधर उधर घुसेगी। और उसकी तो उसकी बहन को लेके आया। वो तो ऊपर गई। ज्यादा देर नल नहीं चलता है वैसे, 30 से 40 मिनट चलेगा जब तक हम लोगों को जगना पड़ेगा, क्योंकि मोटर चलती है ना तो फिर उसे बंद करना पड़ता है। इतनी तेज तेज हवा चल रही है। हेलो फ्रेंड्स, तो अभी बज गए हैं 3 और अभी मेरी नींद खुली है। मतलब अभी 3:30 बज गए हैं, 3 बजे मेरी नींद खुली थी। और अभी मैं पी रही हूँ दूध, क्योंकि नाइट में भी खिचड़ी दाल चावल वगैरह थे तो मैंने नहीं खाए थे। मैं चावल ज़्यादा खाती ही नहीं हूँ। और अभी मैं आटा लेकर आऊँगी, फिर रोटी बनाऊँगी। तो भूख लग रही है, सिर्फ मैंने जूस पिया था आम का, इसलिए दूध पी लेती हूँ। उसके बाद जाऊँगी आटा लेने। आज तो मौसम इतना मस्त लग रहा है, जरा से भी धूप नहीं है। देखो मॉर्निंग, मतलब हम लोग उठे थे ना 6 बजे, जब से मौसम ऐसा ही एकदम ठंडा और हवा चल रही है, अभी तक वैसा ही है। संडे के दिन तो है ना, पूरा दिन ऐसे ही चले जाता है सोने में। एक मग तो मैंने तोड़ दिया, इसलिए मुझे ग्लास में पीना पड़ता है। अब जो मेरा वाला मग था वो क्रेजी का हो गया, वरना क्रेजी को ला कर देना पड़ेगा। क्योंकि क्रेजी ने बोला था तूने तोड़ा तो मुझे ला कर दे। अभी ला कर देने की तो मेरी है नहीं, इसलिए मैं ग्लास में पी लेती हूँ। इधर मेरा आटा भी पिसा गया। तो हम लोग रेडी हो चुके हैं मार्केट जाने के लिए। हम लोग बीच में लेट गए थे थोड़ी देर खाना वाना खाने के बाद, पेट दर्द हो रहा था मेरा, इसलिए हम लेट हो गए हैं बहुत। मेरा फ़ोन रख लिया। चलो चलते हैं मार्केट। क्या 8 बज गए हैं, अब मार्केट भी जाके क्या है। और हवा इतनी ज़्यादा तेज़ चल रही थी कि हम लोग मॉर्निंग में उठे थे ना तो कपड़े निकाल दिए थे मैंने, यहाँ डाल दिए थे क्योंकि गीले गीले हैं कपड़े। और हवा ही चल रही थी तो फिर मैंने डाले ही नहीं बाहर, सूख जाएंगे वैसे पंखे की हवा में। हेलो अंतिमा, कैसी हो डियर? मेरे डेली ब्लॉग देखने के लिए थैंक यू सो मच। इतने सारे कमेंट करने के लिए भी थैंक यू सो मच। तो रेखा का कमेंट आया है मुझे कि दीदी मैं आपके डेली ब्लॉग देखती हूँ और आपको कमेंट भी कर रही हूँ जब से आप ब्लॉगिंग कर रहे हैं। तो
बोला हाँ डियर मुझे याद है कि जब से मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ, जब से तुम्हारे कमेंट आते हैं मेरे पास, बट सिर्फ तुम्हारे ही आते हैं और किसी के भी कमेंट आएंगे ना फिर मैं Q&A बनाऊंगी और उसमें सारी चीज़ों के बारे में बताऊंगी। मेरी और फैंस की फ्रेंडशिप कहाँ से स्टार्ट हुई वो तो आप लोग कल के ब्लॉग में समझ ही गए होंगे कि हमारी फ्रेंडशिप हॉस्टल से स्टार्ट हुई है, और बाकी जो सारी चीज़ें हैं वो भी मैं आपको बहुत जल्द बताऊँगी, ठीक है। तो इधर हर्षित आ गया है, 4-5 बजे से तैयार करके बिठा रहा। हर्षित ने ना आज छुट्टी ली थी तो बोल रहा था 4 बजे मैं फ्री हो जाऊंगा, बट हम लोग नहीं हो पाए थे, मेरा पेट दर्द कर रहा था ना इसलिए बाहर नहीं आ पाए, लेट गई थी मैं खाना वाना खा के, वरना आ जाती जल्दी। हर बार आते हैं कि नहीं संडे सही करके आते हो, बताने लगे आते हैं। आज कुछ नहीं बाहर का, कुछ ठंडा सिर्फ, बस ठंडा नहीं गर्म, आज गर्म पीऊँगी। तुझे मैंने मूवी का बोला था, इसको है ना मैंने बोला था आज मूवी देखने चलेंगे, मैं नहीं गया। कौन नहीं लेके गया, मैं तो 4 बजे खड़ा हो गया था, वही 8 बजे का शो है। कौन सी लगी है, कहीं भी चल रहे थे ना। नॉर्मल कार कार की टक्कर हुई और पब्लिक देखो कितनी सारी इकट्ठी हो गई, हमारे यहाँ बस ऐसा ही है, थोड़ा सा कुछ हुआ है कि पूरा सब इकट्ठे हो जाते हैं और हेल्प वगैरह कुछ नहीं करते, बस इकट्ठे होते हैं। तो हम लोग आए हैं सब्जी मंडी, और सब्जी मंडी 9 बजे बंद हो जाती है, बट एक दो दुकान है वहीं सब ले लेते हैं क्योंकि हरी मिर्ची मेरे पास है ही नहीं, ख़त्म हो गई है। तो मैं आ चुकी हूँ रिटर्न घर, क्योंकि तबीयत ठीक नहीं लग रही, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए रिटर्न आ गई हूँ, थोड़ी देर लेटती हूँ, उसके बाद उठ के थोड़ा बहुत काम कर लूँगी, कपड़े भी ये सारे जमाने हैं, अभी तो मेरे कुछ भी करने की इच्छा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ लेटने की इच्छा है, सिर्फ लेटूँगी। हेलो फ्रेंड, तो अभी बज गए हैं 11:30 और मेरी नींद अब खुली है, अभी मैं उठी हूँ, अब खाना बनाती हूँ, सोच रही हूँ क्या बनाऊँ, तो चावल तो ख़त्म हो गए हैं इसलिए मैं बनाऊँगी तुअर की दाल रोटी, और सब्जी तो मैंने दोपहर में ही बनाई थी तो सब्जी भी अभी है, इसलिए कुछ पानी वाला बनाने के लिए दाल बना लेती हूँ। पेट दर्द इतना हो रहा है, मन ही नहीं कर रहा कुछ करने का, खाना खाएंगे उसके बाद मैं एडिटिंग करूँगी, उसके बाद सोएंगे। 1.5 घंटे की नींद हो गई क्योंकि बीच में बिल्ली ने भी परेशान किया, आके मेरे साइड में बैठ गई थी, मैं इतनी बुरी डर गई, उसके बाद फिर नींद लगने में टाइम लगी। तो मेरा खाना बन चुका है और अब हम लोग खा रहे हैं खाना, और आज मेरी फेवरेट चीज़ है ये। किसको पसंद है बताना कमेंट करके, मुझे जेली चुपा चुप ऐसी चीज़ें पसंद है, चॉकलेट वॉकलेट नहीं पसंद। इसको थोड़ा ठंडा करते हैं फिर खाएंगे। इधर हमारा खाना, तो हमारा खाना हो चुका है और मुझे खाना खाने की इच्छा नहीं कर रही, तो मैं अभी खाऊंगी मिट्टी। मम्मी लेकर आए थे, पता नहीं कहाँ से लाए थे ये तो नहीं पता मुझे, और क्रेजी को मीठा नहीं खाने की इच्छा है, तो क्रेजी की अभी चल रही है बिग बॉस, बिग बॉस ना कि नहीं, इसका क्या नेम है, किसका ये जो बिग बॉस, हम लोग बहुत देखते थे, कौन सा सीजन था जो अपन देख रहे थे, 16 वाला सीजन हम लोगों ने पूरा देखा, बट वो फिर ख़त्म हो गई थी ना, तो फिर कुछ कुछ देखते थे क्योंकि खाना खाते वक्त तो कुछ तो देखने को होना, और अब क्रेजी की ऐसी आदत है एक बार अगर कुछ देखना स्टार्ट कर दिया तो वो जब तक ख़त्म ना हो जब तक चला ही करेगा, अभी देखना ये कितनी रात तक चलेगी, अभी स्टार्ट हो गई है ना, इसलिए तो मैं फिर गुस्सा करती हूँ, इसीलिए हमारी लड़ाइयाँ होती हैं, क्योंकि मैं भी नहीं सो पाती फिर बजता है फ़ोन तो। अच्छे कब डाला उसमें काजू वाजू खाने, नहीं टेस्ट तो करना हाँ। थोड़ी सी नहीं, अभी मीठा नहीं खाना, मैं क्यों मीठा खाना, मीठा खाना चाहिए खाने के बाद, वैसे अच्छा लगता है, वैसे मुझे नुक्ती पसंद है, पसंद तो मतलब अच्छा लगता है थोड़ी खाना। तो देखो अभी बच गए हैं 2:43 और मैंने अभी इधर कपड़े जमा लिए हैं, क्योंकि अगर ये आज रह गए तो फिर हो ही नहीं पाएंगे, क्योंकि फिर टाइम ही नहीं मिल पाएगा, सुबह सुबह तो नींद ही नहीं खुल पाती यार, पता नहीं क्यों इतनी नींद आती है ना, मुझे उठ ही नहीं पाती हूँ मैं, तो जमा देती हूँ, और एडिटिंग भी मेरी लगभग हो ही गई है,
बस वीडियो अपलोड करना है, उसके बाद मैं भी सो जाऊंगी। तो कूलर को भरने में ना इतनी आलसी आती है, हम एक दूसरे पर ढूंढते हैं कि उसमें भरना। जितना बड़ा कूलर होगा उतना ज़्यादा पानी डालना पड़ेगा। देखो हमारा छोटू सा कूलर था, उसमें तीन बकेट में तो हो जाता था, वो भी छोटी वाली, और इसमें दो बकेट भरनी पड़ती, वो भी बड़ी बड़ी वाली। आलसी भी आती है पर क्या करें। महाकाल सरकार मेरे महाकाल सरकार। तो फ्रेंड्स आज के ब्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। जब तक के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। गुड नाइट, बाय, जय श्री महाकाल, टेक केयर।